हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता। आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा, आज मैं प्लस टू कॉमर्स के लिए बच्चों के लिए बिजनेस स्टडी का जो सिक्स यूनिट चल रही थी हमारी, बेटा लास्ट टाइम हमने देखा था 6.2 तक हम पढ़ चुके थे, रिक्रूटमेंट तक पढ़ चुके थे हम। अभी 6.3 यानी सिक्स यूनिट चल रही हमारे पास, 6.3 जिसका नाम है सिलेक्शन। उसमें बेटा इसका पार्ट फर्स्ट है, इसमें पढ़ेंगे हम मीनिंग और उसकी प्रोसेस, मीनिंग और प्रोसेस पढ़ेंगे सिलेक्शन की। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है बेटा? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू एंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर। तो बेटा, कहने का मतलब पता है यहाँ पर क्या है कि उसने ये कहा है कि इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस। ये बेटा वो प्रोसेस है जहाँ पर एक एप्लीकेंट, एक ऐसे एप्लीकेंट का सिलेक्शन किया जाता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, यानी कि जिस तरह के व्यक्ति के हमें, जिस तरह के एम्प्लॉय की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी तरह के एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं। सपोज मान लीजिए हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया था स्टाफिंग में, हमने सेकंड जो पढ़ा था, हमने रिक्रूट पढ़ा था। रिक्रूटमेंट करने के बाद हम जो एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं, देन उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं उसमें से कौन से जो एम्प्लॉय है जो एलिजिबल है, जो अप्रोप्रिएट है, जो मतलब उस जॉब के लायक हो। तो कहने का मतलब क्या है, हम अब काफ़ी पर्सन हमारे पास है, हमने रिक्रूट करे थे, लेकिन उसमें से कुछ एक पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं जो उस जॉब के लिए दी बेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हम हायर कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। देन अब बेटा पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होता है बेटा, कि अब प्रोसेस का मतलब होता है बेटा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप की अगर हम बात करें तो जब हम किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो बेटा उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एम्प्लॉय आया और हमने उसको झट से सिलेक्ट कर लिया। नहीं बेटा, काफ़ी चीज़ों का टेस्ट लेना होता है हमें, काफ़ी चीज़ों का भी हमें उसके बारे में जानना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति आया, ठीक है उसने अपने बारे में बताया, चलो जी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंपनी, आप उस जो वैकेंट जॉब जो है उसको फिल कर देंगे आपसे। ऐसा नहीं होता है, पहले बहुत से कुछ प्रोसेस होते हैं जिनसे स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं जिनसे हमें गुजरना होता है, उसे पार करना होता है, एक लेवल होते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है, देन उसके बाद लास्टली एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हायर किया जाता है। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले जो प्रोसेस है बेटा वो क्या है, सबसे पहले जो प्रोसेस है बेटा वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले जब भी कोई एम्प्लॉय आता है तो एक स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, उसमें बेटा ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट हम इंटरव्यू के लिए आया है, या जो भी कैंडिडेट हमें सिलेक्शन जिसका किया है, करना है, वो कितना फिट है उस जॉब के लिए और कितना अनफिट है। ठीक है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, हम उसमें ये देखते हैं कि वो पर्सन जो हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, जिस पर्सन को, जिस एम्प्लॉय को हम उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्या वो उस पोस्ट के लिए फिट है या अनफिट है, कितना वो फिट है, कितना अनफिट है, कितना वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड और कितना वो अनक्वालिफाइड है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना उस जॉब के लिए ठीक रहेगा। देन सेकेंड आता है बेटा सिलेक्शन टेस्ट। देन उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, सिलेक्शन टेस्ट करते हैं उसका, कि सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, एक किसी कैंडिडेट को हमें सिलेक्ट करना है तो बेटा उसका सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है। अब वो सिलेक्शन टेस्ट में हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले, सबसे जो हम जिस व्यक्ति को अपॉइंट करने जा रहे हैं उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, उसका कुछ टेस्ट लिया जाता है, उसके स्किल्स को मेज़र किया जाता है, और फिर हमने उस सिलेक्शन टेस्ट को कुछ कैटेगरीज में बांट रखा है बेटा। इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, सबसे पहली कैटेगरी आती है बेटा इंटेलिजेंसी टेस्ट। सबसे पहले उसका ये देख, उसका एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें उसकी इंटेलिजेंसी को जज किया जाता है कि वो जो हमारे पास एम्प्लॉय आया है वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी माइंड की एबिलिटी क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, ये हर चीज़ को हम क्या करते हैं, जज करते हैं। देन उसका बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में भाई हम क्या देखते हैं, उसकी जो कैंडिडेट है उसकी पर्सन की कैपेसिटी देखते हैं कि उसकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना अपने काम को लेके पोटेंशियल है। ठीक है, उसके अंदर स्किल्स कितनी है, कुछ नए आइडियाज़ हैं उसके माइंड में, कुछ उसके माइंड में नए डिसीजंस हैं या उसकी नई टेक्निक्स हैं, मतलब कहने का मतलब है उसके माइंड को हम जज करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर हम उसको ये मेज़र करके देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी ठीक है, जिस जॉब के लिए हम उसको हायर कर रहे हैं क्या उस जॉब के लिए उसकी पर्सनैलिटी
ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, वो कितना मैच्योर है, उसकी स्टाइल कैसी है, उसका रिएक्शन कैसा है, ठीक है, उसके इमोशंस कैसे हैं, वो सारी चीज़ चेक की जाती है। एंड लास्ट आता है बेटा इसके अंदर इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है बेटा, इसमें हम उसके इंटरेस्ट को जज करते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए, जिस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्या वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं है उस पोस्ट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी चीज़ के प्रेशर में आके उस जॉब को चाह रहा हो, इस जॉब को अब्जॉर्ब करना चाह रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हम उसके ऊपर मतलब तरीके से थोप रहे हैं उसके ऊपर जो भाई आपको करनी है, ठीक है, उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो व्यक्ति जिसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं क्या वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। देन बेटा थर्ड जो प्रोसेस आता है बेटा वो आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इंटरव्यू में बेटा क्या होता है, इंटरव्यू में हम देखते हैं कि जब एक उस जब सिलेक्शन हो जाता है उस व्यक्ति का, हम मतलब ये सब चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं उस चीज़ की, उस व्यक्ति की, एम्प्लॉय की, देन तब उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में हम क्या देखते हैं, इंटरव्यू कुछ इस तरीके का होता है बेटा, प्रिलिमिनरी और एक फाइनल इंटरव्यू। हमें एक कुछ इंटरव्यू ऐसे लेने होते हैं, एक एम्प्लॉय का जो हम इंटरव्यू लेते हैं, ये बेटा एम्प्लॉय इंटरव्यू है, यहाँ पर एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाता है। तो एम्प्लॉय का जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसके भाई क्या क्या चीज़ देखते हैं, उसकी भाई उसका जो वर्क का इंटरेस्ट है वो कितना है, वो फिजिकल या मेंटली तरीके से पूरा प्रिपेयर है या नहीं है, ठीक है, उसका वे ऑफ टॉकिंग चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी को टेस्ट किया जाता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी मेमोरी पावर को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम उसकी हर चीज़ को जज किया जाता है। अब प्रिलिमिनरी और फाइनली इंटरव्यू में क्या होता है, देखो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में तो बेटा हम उसको क्या करते हैं, फिजिकली और मेंटली उसको एग्जामिन किया जाता है, उस कैंडिडेट को फिजिकली और मेंटली तरीके से एग्जामिन किया जाता है कि वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट एंड फाइन है या फिर नहीं है। देन हमें लगता है कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन, बिल्कुल ठीक है, देन हम फाइनली क्या करते हैं, फिर फाइनल इंटरव्यू लेते हैं बेटा उसका। फाइनल इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर जब फाइनल इंटरव्यू, जब हमारा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो सेकंड स्टेज जो हमारी आती है वो आती है फाइनल इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में हम क्या करेंगे, उसके जो जो सर्विसेज हम उसको अपॉइंट करने जा रहे हैं, जो हम उसको वैकेंट पोस्ट को फिल करने जा रहे हैं, कि वो उस पोस्ट को लेके कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब बर्डन अपना आप को सोच रहा हो या प्रेशराइज तरीके सोच रहा हो कि भाई मुझे तो थोपी जा रही है जॉब, जबकि वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है ही नहीं है, वो उसके लिए लायबल है ही नहीं है। देन फाइनली इसको ये देखा जाता है क्या भाई बिल्कुल आप फिट एंड फाइन, बिल्कुल एग्री हो इस जॉब को करने के लिए। वो कह देता है ठीक है सर, मैं फुल एंड फाइनली मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग मेरे को मेरी सर्विस मिल रही है, तो ठीक है मैं इसको करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। देन वो फाइनल इंटरव्यू होता है भाई। नेक्स्ट आता है बेटा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। देखिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ। जब इंटरव्यू जाता है फिर उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है बेटा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। वो उसका कैरेक्टर को जज किया जाता है कि भाई जो पर्सन, जिस पर्सन को हम अपॉइंट करना जा रहे हैं, ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो क्या वो कहें ऐसा तो नहीं भाई कैरेक्टर का बेकार हो, ठीक है, उसका भाई पहले से कुछ गलत रिकॉर्ड रहा हो। तो बेटा हम ये पढ़ रहे थे कि रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में हम उसका कैरेक्टर देखते हैं कि वो किस कैरेक्टर का व्यक्ति है, ठीक है, उसका सोशल रिलेशन देखते हैं भाई समाज में, उसका जो जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसका वहाँ रिलेशन कैसा है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेक करके देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, पीछे वो कोई क्रिमिनल में तो नहीं रहा है, वो कहीं पिछले कुछ दिनों में पहले जेल वगैरह तो नहीं रहा है, उसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, उसका रेफरेंस देखते हैं वो किसके रेफरेंस से वो इस जॉब पर आया है, या तो उसको किसी मीडिया की वजह से आया, किसी न्यूज़पेपर में ऐड देखकर आया है, या फिर किसी ने उसको पर्सनली किसी ने भेजा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बेटा उसका जो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करके भी हम उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, स्टेप में इसको भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा फिर डिसीज़न, सिलेक्शन डिसीज़न। सिलेक्शन डिसीज़न क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको कि जब व्यक्ति को सिलेक्ट करने की बात आती है तो उस वहाँ पर एक डिसीजंस लिए जाते हैं कुछ कि भाई इस व्यक्ति को सिलेक्ट कर किया जाना है या नहीं किया जाना है। तो सिलेक्शन डिसीजन में हम जो भी करते हैं, जैसे एप्लीकेंट्स हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स आर सिलेक्टेड एंड प्रायर टू टॉकिंग फाइनल डिसीजन सिलेक्शन डिसीजन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजर कंसर्न इज सॉट। मैनेजर कंसर्न हियर मीन्स द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हैज़ टू वर्क। सो
कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब उसका सिलेक्शन टेस्ट क्लियर हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू और रेफरेंस चेक सब कुछ चेक हो जाता है, देन वो बंदा सिलेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट आपस में कुछ कंसल्ट करती है, ठीक है, कुछ कंसल्ट करती है आपस में कि भाई इस व्यक्ति को फाइनलाइज तरीके से इसको सिलेक्ट किया जाना है या फिर नहीं किया जाना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बेटा आता है कि जब व्यक्ति को सिलेक्ट करने की बात आई जाती है यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन आता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पर जब व्यक्ति का सिलेक्शन होने से डिसीजन ले लिया जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट करते हैं हम यहाँ पर कि वो फिजिकली फिट एंड फाइन है या नहीं है। ठीक है, फिजिकली वो फिट एंड फाइन है या नहीं है, और उसके बाद वो उसके किसी वो बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, कोई उसको बीमारी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ चेक किया जाता है, एम्प्लॉय का पूरा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लेता है तो फिर उसको लास्ट नेक्स्ट आता है जॉब के लिए, उसको ऑफर कर दिया जाता है। अब जॉब के लिए ऑफर क्या कर दिया जाता है, आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट देन जॉब ऑफर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। मतलब जब ये क्लियर हो जाता है तो उसको जॉब के लिए ऑफर कर दिया जाता है बेटा, ड्यूटी के लिए उसको अपॉइंट कर लिया जाता है, उसको अपॉइंट लेटर हैंड ओवर कर दिया जाता है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। देन लास्ट आता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट। जब जॉब ऑफर उसको दे दिया है उसके बाद उनका बेटा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ओनर का और जिसको अपॉइंट किया गया उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई आप किस पोस्ट के लिए आए, जॉब टाइटल आपका क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपको कितना अलाउंस दिया जाएगा, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आपको कितने वर्किंग आवर्स, कितने घंटे आपको काम करना है। ठीक है, छुट्टी के क्या रूल्स रहेंगे, डिसिप्लिन के क्या रूल हैं, कोई किस तारीख को आपने ज्वाइनिंग किया, कितने टाइम तक के लिए ज्वाइन किया है आपने, आपको कितने रेट से आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा। तो बेटा ये 10 प्रोसेस थे, एक जब भी किसी पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है तो उसके बेटा 10 प्रोसेसेस थे जो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। अगर बेटा जिसको नहीं भी आया तो बेटा वो एक बार फिर दोबारा इस वीडियो को रिमाइंड कर सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से पसंद आई है तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके बेटा इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं जिनको इन चैप्टर्स की, इस बुक की नीड है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सो प्लीज़ इसको जितना हो बेटा शेयर कीजिए। धन्यवाद।